हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सोनी आज आपके लिए FZS 150cc का जो BS6 मॉडल है उसका रिव्यू लाई हूँ। इसकी प्राइसिंग क्या है, इसके क्या नए फीचर्स हैं, पहले से अब में क्या चेंज हुआ है, इस बारे में पूरा रिव्यू है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है FZS FI 150cc का जो BS6 मॉडल कंपनी ने लॉन्च किया है इसके बारे में है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई एक अच्छी पावर में अच्छे एवरेज वाली गाड़ी जिसमें आपको स्पोर्टी लुक्स के साथ साथ सीट भी कंफर्टेबल फैमिली पर्पस से मिले तो FZS आपके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन हो सकता है। चलिए मैं आपको पूरी बाइक का रिव्यू दिखा देती हूँ कि बाइक्स में क्या क्या नए फीचर है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि इसका जो एक शोरूम है, एक इसमें FZ FI मॉडल है और एक इसके साथ FZ SFI मॉडल है। इनका जो एक शोरूम अप्रॉक्स जाएगा डेली एक शोरूम 1,07,000 से 1,09,000 तक का अप्रॉक्स है। इसमें डार्क नाइट कलर है, अरमाडा शेड है, ब्लैक है, मैट ब्लैक है, मैट ब्लू है, 6-7 कलर्स हैं जो सभी कलर्स मैट और ग्लॉसी सभी यूनिक है। अगर हम बात करें इसके इंजन की तो इसमें आपको 149cc का इंजन मिल रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो BS6 मॉडल है वो उसमें जो 149cc है इसमें जो पावर है बाइक की वो कम हो गई है। पहले जो ये 149cc था ये 8000 RPM पर 13.2 BHP को और 6000 RPM पे 12.8 NM को जनरेट करता था। लेकिन अभी जो BS6 मॉडल है 150cc इसमें अभी 7250 RPM पर 12.4 का PS पावर और 5500 RPM पर 13.6 NM का टॉर्क जनरेट करता है जो पहले की तुलना में कम है। गाड़ी इको फ्रेंडली है। और दोस्तों, अगर हम इसके लुक की बात करें तो 150cc में ये पूरा ही स्पोर्ट्स लुक है। ये इसका अरमाडा शेड है, लाइटिंग LED है, यामाहा का जो लोगो है वो फ्रंट में हेडलाइट के ऊपर भी मेंशन है और बाइक पे जो इसके सॉकर है उस पर भी यामाहा ने काफ़ी अच्छी ब्रांडिंग की है। ड्यूल डिस्क है, ट्यूबलेस टायर्स अवेलेबल हैं, अलॉय व्हील्स हैं दोनों ही टायर्स में। अगर हम बात करें ABS की तो आपको फ्रंट जो चैनल है सिंगल चैनल ABS मिल रहा है। इसमें लाइटिंग काफ़ी यूनिक है, हेड छोटा सा है। इसका जो लुक है BS6 का उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। यहाँ पे जो डार्क नाइट एडिशन है ब्लैक कलर उसमें ब्लूटूथ अवेलेबल है, मैंडेटरी है। इसके अलावा कोई और BS6 मॉडल FZS लेते हैं 150 में तो वो जो ब्लूटूथ डिवाइस है वो उसका जो X कनेक्टर बोलते हैं जिसे वो ऑप्शनल रहेगा। गियर्स की बात करें तो 5-speed गियर बॉक्सेज हैं इसमें। एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन है। ट्यूबलेस टायर्स मिल रहे हैं आपको ड्यूल डिस्क के साथ। टैंक की कैपेसिटी आपको 13 लीटर की मिल रही है। वेट भी इसका 142 kg है। हाँ, एक तरफ BS6 मॉडल FZ150 की पावर को थोड़ा सा कम किया गया है, वहीं ये इको फ्रेंडली हो गई है। कलर शेड बहुत यूनिक है, ABS है, लुक बहुत ही स्पोर्ट्स लुक मिल रहा है आपको। वेट भी ठीक है, टैंक कैपेसिटी अच्छी है। एवरेज का अगर कस्टमर फीडबैक की बात करें तो 45 से 50 का एवरेज है। आपको 150cc में स्पोर्टी लुक्स के साथ साथ जो एवरेज है, माइलेज है गाड़ी का, वो बहुत अच्छा मिल रहा है। अगर हम बात करें पिकअप की तो यामाहा का जो इंजन है उसमें कोई नो डाउट इसका जो पिकअप है और गाड़ियों को बहुत कॉम्पीट करता है इस चीज़ में। इंजन लाइफ टाइम है। सर्विसेज की बात करें आपको 5 फ्री सर्विसेज मिल रही है। 2 ईयर इंजन वारंटी के साथ आता है ये। और इसके जो टायर्स हैं वो भी काफ़ी यूनिक, इसको अलॉय व्हील्स इसको बहुत अच्छा लुक दे रहे हैं। इसमें आपको रेड शेड भी मिल रहा है, आप देख सकते हैं सियान ग्रे है और लास्ट में एक मैट ब्लू में है डार्क में, इसे अरमाडा शेड कहते हैं। इन तीनों शेड्स के अलावा भी इसमें एक ब्लैक शेड आता है और एक चारकोल ब्लैक में डार्क नाइट जो टॉप मॉडल है वो आता है। ये मैट ब्लैक कलर है इसका। इसमें जो इसकी ब्रांडिंग है सिल्वर मेंशन है, ग्राफिक्स हैं जो FZS मेंशन है। ये अरमाडा शेड है इसका, काफ़ी डिमांड में रहता है अरमाडा शेड, मैट ब्लू भी कहते हैं इसे डार्क में। हेडलाइट भी काफ़ी यूनिक है, छोटी हेडलाइट है। बॉडी इसकी जो है वो मस्कुलर है जो इसे बहुत यूनिक डिज़ाइन दे रही है। सिल्वर ग्राफिक्स हैं इसके साइड में। जो बाइक के जो टैंक का पैनल है वो काफ़ी यूनिक है। ऑल ओवर अगर हम बात करें तो 150cc में एक बहुत ही अच्छे माइलेज की गाड़ी है। एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए और बाइक को देखिए। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आगे भी वीडियोस देखने के लिए मुझे उम्मीद है आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू गाइज़।